देखिए आज हम शहीद स्मारक पर तमाम भीड़ अभ्यर्थी दो उचित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जब 2021 में अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट के नाम से थी वो रद्द हो गई थी, उसमें उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि हम 31,500 पदों पर लेवल 2 की भर्ती करेंगे। उसके बाद में हाल ही दिवाली पे 6,000 पद सरकार के द्वारा कम कर लिए गए, जिनमें से विरोध करने के बाद में 1,500 पदों बढ़ा दिए गए और 4,500 पदों पर सकारात्मक आश्वासन मिला था कि डीपीसी करने के बाद में बेरोजगारों को राहत मिल जाएगी, जिसके लिए पीसीसी श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा भी कई बार बोल चुके हैं। अब आज हम एक तो मांग हमारी ये कि 4,500 पद जो आपने काटे हैं वो हमें लौटाए जाए, और दूसरी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकाली है, उसके लिए युवा कोटि कोटि धन्यवाद करता है। लेकिन एक विसंगति आ रही है जिसकी वजह से युवाओं में विवाद उत्पन्न हो रहा है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जिस क्रम से एग्जाम हुई थी ना, उसी क्रम से हम नियुक्ति चाहते हैं ताकि 8 से 10 हज़ार परिवार में ज़्यादा खुशी आ सके। जिस अभ्यर्थी का तीनों ग्रेड में चयन हो रहा है ना, वो अपने हिसाब से एक ग्रेड में चयन ले सके, बाकी की सीटें खाली नहीं रहे और जो सीटों का नुकसान नहीं भुगतना पड़े, क्योंकि 5 साल में भर्ती पूरी होने जा रही है, इसलिए हम एक भी पद को नुकसान हम नहीं देखना चाहते। अशोक गहलोत सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि हमारे 4,500 पद बढ़ाए जाए, क्योंकि एक भर्ती को पूरा होने में 3 साल का नाम लेते हैं पर 5-5, 6-6 साल तक लग जाते हैं। अगर हमें वापस नई भर्ती का वापस वही जुमला दिखाया जाएगा कि नई भर्ती करा देंगे तो कुछ बच्चे लग जाएंगे, लग तो जाएंगे हम, पर उस भर्ती को पूरा होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जितना से जितना इस भर्ती में हमें जितनी ज्वाइनिंग मिल जाए, जितने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे कि कभी भी वोट पड़ते हैं निर्वाचन में, उस प्रणाली में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, इतना लॉन्ग प्रोसेस होता ही नहीं है जितना कि इन भर्तियों में होता है। हम जब 2019 में तैयारी शुरू कर दी थी कि अब रीट आएगी, 5 बार तो तारीख एक्सटेंड कर दी, उसके बाद में रद्द कर दिया, उसके बाद में भर्ती दी कि 31,500 पद देंगे पर उनको भी काट पीट के 27,000 कर दिए, तो इस भर्ती को बहुत लंबा टाइम हो गया है। हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक तैयारी की है, हम घर से दूर भी रहे हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके हमने इस तैयारी को किया है बहुत बेहतर तरीके से, तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और रही बात कर्मसेन नियुक्ति की, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गहलोत सरकार को, क्योंकि उनको तो नियुक्ति देनी है तो वो कर्मसेन दे दे ताकि पद खाली नहीं रहे एक भी पद, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। फर्स्ट ग्रेड की पहले दे, फिर सेकेंड ग्रेड दे, फिर थर्ड ग्रेड दे, तो कोई भी बच्चा है वो अपनी अपनी नियुक्ति लेते जाएंगे जिस हिसाब से नंबर आता जाएगा, तो एक भी पद खाली नहीं रहेगा। हम यही मांग कर रहे हैं, हमें बहुत टाइम लगता है तैयारी करने में, हमारे कितने सपने होते हैं, हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है, इसलिए हम यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों की तरह चुनाव में जिस प्रकार लेट नहीं होती भर्तियां, उस प्रकार हमारी भी भर्तियां लेट ना करें। सरकार हमारे दर्द को समझे बेरोजगारों के, और इस बात पर अमल करें। हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, हम सुबह से आए हैं, बैठे हैं कि हमारी मांग पूरी होगी, तो गहलोत सरकार इस चीज़ को सुने और हमारी मांग पर ध्यान दे। सर काफ़ी लंबे अरसे से देखो पर बेरोजगार परेशान है, आज भरी दोपहरी में, आज इतनी तपती दोपहरी में बेरोजगार बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आंदोलन में आए हुए हैं, तो माननीय मुखिया जी को इसमें मैं मानना कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो क्रम से नियुक्ति की मांग हो रही है ये जायज़ मांग है, पद खाली ना हो, स्कूलों में जल्दी से जल्दी अभ्यर्थी मिल जाएं, जब उन्होंने एग्ज़ाम दिलवाया तो एक तो क्रम से उनको नियुक्ति दे दी जाए ताकि सीटें भी खाली ना हो, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो, छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो भी सही हो, साथ ही साथ जो 4,500 पद आपने पहले जो घोषणा की थी, जिन पदों की घोषणा की थी उन्हीं पदों को मांग रहे हैं, अलग से पद बढ़ाने की भी मांग नहीं कर रहे, तो जो आपने घोषणा कर चुके हो पहले वो घोषणा पे आप अमल कर दीजिए, 4,500 पद बढ़ा दीजिए, क्रम से नियुक्ति दे दीजिए, ये सारे बेरोजगार आपकी जय जयकार करते हुए यहाँ से जाएंगे, और इतना हमें विश्वास है मुखिया जी पर ये हमारे लिए करेंगे पूरी तरीके से, और हम यहाँ से जयकारे लगाते हुए इनके जाएंगे यहाँ से।